मध्य प्रदेश में इस वक्त नर्सिंग घोटाला सुर्खियों में है, क्योंकि इस मामले को उठाने वाले शख्स को अपनी जान का खतरा है। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने आशंका जताई है कि ये बड़ा मुद्दा उठाने की वजह से उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। रवि परमार ने पत्र लिखकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात का समय मांगा है। उनका कहना है कि वो सीएम से मिलकर सारे सबूत सौंपना चाहते हैं। नर्सिंग घोटाले में कई बड़े शिक्षा माफिया और अधिकारी शामिल हैं। रसूखदार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच कर उनकी हत्या और झूठे प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं। आज हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर समय मांगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ और नर्सिंग फर्जीवाड़े की वजह से पूरे देश में मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए कि वो कार्रवाई करेंगे। तो हम मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े हैं, जिसके आधार पर हमने मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा उजागर किया, वो साक्ष्य सौंपना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम अवगत कराना चाहते हैं कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा जब हम उजागर कर रहे थे तो हमने कई हमारे ऊपर कई तरह से अधिकारियों ने दबाव बनाया और उन अधिकारियों ने षड्यंत्र पूर्वक कई बार हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करे, कई बार मुझे जेल तक भेजा और इस तरह से मध्य प्रदेश में अधिकारी नर्सिंग फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे और अधिकारियों द्वारा अब भी इसमें कई बड़े अधिकारी और रसूखोर शामिल है पूरे नर्सिंग घोटाले में और ये अब भी मेरे ऊपर षड्यंत्र पूर्वक कोई भी झूठा प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ तक कि षड्यंत्र पूर्वक करके मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था। व्यापम घोटाले हमने देखा कि कई लोगों की हत्या हो चुकी थी, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था उससे भी बड़ा ये नर्सिंग फर्जीवाड़ा है। उन्होंने सीएम मोहन यादव के नाम लिखे पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से नर्सिंग फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसको लेकर वो निरंतर शिकायतें कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया बल्कि घोटाले को दबाने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा से प्रदेश के लाखों नर्सिंग छात्रों छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है और पूरे भारत में मध्य प्रदेश की छवि धूलमिल हो गई है। इस नर्सिंग फर्जीवाड़ा में कई बड़े शिक्षा माफिया, हवाला कारोबारी और मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने इस घोटाले के लिए सख्ती से जांच के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही कहा गया है कि नर्सिंग घोटाले में शामिल अधिकारियों की सेवाएं समाप्त होंगी। इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग स्टूडेंट का स्टेट लेवल पर एग्जाम होगा। केंद्र के नर्सिंग एक्ट के अनुसार राज्य में आयोग गठित होगा। नर्सिंग काउंसिल के तहत रजिस्ट्रार और सचिव पर भी कार्रवाई होगी। बता दें, कुछ समय पहले ही दिल्ली से आई सीबीआई ने भोपाल के सीबीआई इंस्पेक्टर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सीबीआई का कहना था कि ये लोग नर्सिंग घोटाले में पैसे लेकर सबूत छिपा रहे थे। इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर के पास से उन्हें करीब 7.5 लाख रुपए और सोने के बिस्किट भी मिले थे।